यूपीए शासन 10 वर्ष बनाम मोदी 9 वर्ष। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में जुगांतकारी पदक्षेप, दुई सरकार तुलनात्मक तथ्य रखिले केन्द्र शिक्षा मंत्री। पब्लिक पॉलिसी रिसर्च सेंटर पक्षर प्रकाशित जो रिपोर्ट कार्ड को केन्द्र शिक्षा मंत्री उन्मोचन करुछंती, रही एक समृद्ध भविष्य चित्र। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत में गत 9 वर्ष जुगांतकारी पदक्षेपर परिसंख्या एतिसो ए रिपोर्ट रे रहिछि 2004-2014 ओ 2014-2023 मध्यरे शिक्षा ओ स्वास्थ्य क्षेत्र रे निया जायतिबा पदक्षेपर तुलनात्मक चित्र। देशवासीक सामनारे ए रिपोर्ट रो किछि आखि झलसाइला भली तथ्य उपस्थापन करथिले केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। 10 और 9 साल की उन्होंने तुलना किया, कई आंकड़े तो ऐसे उसके अंदर ध्यान में आता है। एम्स दिल्ली में होता था, बाद में एम्स के एक दूसरा सेंटर बना, कहीं अटल जी आए तो उसको थोड़ा देश के अंदर फैलाव कराया, 6 बना। फिर 10 साल की सरकार आई मनमोहन सिंह जी की, एक एम्स उन्होंने जोड़ा, 1-6-1। उस एक की तुलना अभी 9 साल के अंदर 15 के साथ होती है, 1 और 15। 2014 परठू देशरे शिक्षा क्षेत्र रे मिलुछि सर्वोच्च प्राथमिकता। 2014 रे देशरे महाविद्यालय संख्या थिला 36634, चाहे बे पहुंचिछि 43796 रे, अर्थात प्रतिदिन गोटिए कॉलेज प्रतिष्ठा करा जायछि। 2014 पर्यंत भारत रे थिला 760 टी विश्वविद्यालय, वर्तमान ई संख्या पहुंचिछि 1113 रे, अर्थात 2014 परठू प्रति सप्ताह रे देशरे गोटिए लेखाएं विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा होईछि। तेबे गत 9 वर्ष रे शिक्षा क्षेत्र पई मोदी सरकार को सबठू बड़ अवदान होउछि जातीय शिक्षा नीति 2020 प्रणयन। मैं आज शिक्षा मंत्री में 3 विषय आपको कहूं, मोदी सरकार ने शिक्षा में ये 3 चीज किया, कहने के लिए मैं 50 चीज कह सकता हूं। सबने सुमित जी की रिपोर्ट ने सब प्रकाशित कर दिया है। पिछले दिनों से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ी है, पिछले दिनों से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन ज्यादा बढ़ी है, पिछले दिनों से क्वालिटी एजुकेशन ज्यादा बढ़ी है। ये तो एक फिजिकल चीज है, फिलोसॉफिकल चीज में शिक्षा ने क्या किया है पिछले 9 सालों में, 2 चीजों की फाउंडेशन पे 34 सालों के बाद एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कल्पना की गई। भले ही इसको 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा जाता है, लेकिन इसकी काम शुरू हो गई थी 2014 से। उसका भी शिक्षा सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में मध्य गत 9 वर्ष रे होची जुगांतकारी परिवर्तन। 2013-14 रे भारत रे टीकाकरण हार थिला 65.5%, वर्तमान यह 83.8% रे पहुंची छि। मोदी सरकार आसीबा पूर्वरु 2014 रे शिशु मृत्यु हार थिला 1040, एबे हा 28 कु ह्रास पाइछि। 2014 रे मातृ मृत्यु हार प्रति 10,000 रे 167 थिबा बेले वर्तमान यह 97 कु खसि आसीछि। 2013-14 रे स्वास्थ्य पई बजेट थिला 37,330 कोटि, किंतु 9 वर्ष पर यह 148% वृद्धि पाई 92,802.50 कोटि रे पहुंचिछि। कोविड विरोध रे लड़ाई मोदी सरकार को एबळी उपलब्धि जहाकु स्वीकार करिछि सारा विश्व। आजादी के उपरांत 2014 तक देश में 380-385 मेडिकल कॉलेज और 9 साल में 262 नए मेडिकल कॉलेज शुरू ही है। मूल पॉलिसी को रिफॉर्म जब तक हम नहीं करेंगे, MBBS की सीट बढ़ाना, PG की सीट बढ़ाना, PG और MBBS में, क्योंकि कोई भी डॉक्टर आज बिना PG के पूर्णांग नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। अगर सीट ही कम रहेंगे तो फिर कहां जाएंगे बच्चे पढ़ने के लिए। मोदी सरकार का लक्ष्य योजना ने यह कार्यक्रम में उपस्थित विशेषज्ञ और शिक्षा क्षेत्र में काम करुवा वरिष्ठ शिक्षाविद मानक विभिन्न प्रश्न उत्तर रखी थे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज़।